बढ़ते हैं प्रयागराज के अटाला इलाके में हुई हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पंप की संपत्ति कुर्क की जाएगी। हिंसा के आरोपी जावेद पंप की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की जाएगी। अवैध तरीके से इकट्ठा की गई संपत्ति का नगर निगम पीजीए राजस्व विभाग ने सत्यापन शुरू कर दिया है। हिंसा के दूसरे आरोपियों की संपत्ति की भी जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। जावेद पंप समेत हिंसा से जुड़े 10 आरोपियों पर गैंगस्टर लगा है। पिछले साल 10 जून को अटाला इलाके में हिंसा हुई थी और हमले में तत्कालीन एडीजी आईजी एसपी सिटी समेत एक दर्जन पुलिसकर्मी जख्मी हुए थे। घटना के बाद जावेद पंप को गिरफ्तार कर पीजीए ने उसका घर बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया था। जावेद पंप अभी भी देवरिया जेल में बंद है। तो कुल मिलाकर 10 आरोपियों पर लगा है गैंगस्टर और जावेद की संपत्तियों का सत्यापन अब शुरू हो गया है। अटाला हिंसा से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको प्रयागराज से हम दे रहे हैं। अब इन तमाम संपत्तियों का सत्यापन होगा और उसके बाद एक्शन लिया जाएगा। सर्वेश दुबे फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सर्वेश, किस तरह से शिकंजा कसा जा रहा है अटाला हिंसा के आरोपियों पर? देखिए, नूपुर शर्मा के बयान के बाद 10 जून 2022 को अटाला हिंसा हुई थी, जबकि जुमे की नमाज के बाद आक्रोशित भीड़ ने तोड़फोड़ की थी और कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया था और इसका मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद और जावेद पंप को बनाया गया था। जावेद पंप तब से देवरिया जेल में बंद है और अब तक जमानत नहीं हुई है। 2 दिन पहले ही जावेद के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और अब इस समय जो भी उसकी संपत्तियां हैं उसको चिन्हित किया जा रहा है ताकि कुर्की की कार्रवाई की जा सके। 10 जून के बाद यानी कि 2 दिन बाद ही 12 जून को जो करेली स्थित जावेद मोहम्मद का घर था उस पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर का एक्शन किया था, बुलडोजर चलाकर उस मकान को ध्वस्त कर दिया था। लेकिन अभी भी मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। कई मामलों में जावेद मोहम्मद को जमानत जरूर मिली हुई है लेकिन वो जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे क्योंकि गैंगस्टर की कार्रवाई कर दी गई है। इसके साथ ही साथ अब तमाम उन संपत्तियों को चिन्हित किया जा रहा है जिसको अब कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी ताकि प्रभावी रूप से जो है अंकुश लगाया जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सर्वेश आपका। झांसी में स्टंटबाजी के चक्कर में 5 दोस्त हादसे का शिकार हो गए। स्टंट के दौरान बाइक बेकाबू होकर पुलिया के नीचे गिर गई और 5 में से 2 दोस्तों की मौके पर मौत हो गई। वहीं 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना तिलेथा रोड की है। 2 बाइक पर 5 लड़के सवार थे और आपस में रेस लगा रहे थे। तो 2 बाइक पर 5 दोस्त सवार थे और 2 की मौत हो गई है। 3 की हालत गंभीर है। बेकाबू होकर पुल से नीचे गिरी है बाइक। तो तेज रफ्तार की वजह से ये कोई पहली बार नहीं है इस तरह का हादसा हुआ हो। एक बार फिर से यहाँ पर यह हादसा हुआ है। सीतापुर में हुए जबल मर्डर मामले को लेकर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की बेटी का प्रेम प्रसंग मुस्लिम समुदाय के युवक से चल रहा था। आपको बता दें, बीते शुक्रवार की शाम को अब्बास अली हर गांव बाजार से आकर घर के बाहर बैठा हुआ था, तभी गांव का ही पड़ोसी शैलेंद्र जायसवाल उसका पिता रामपाल अब्बास के घर पहुंचे और दोनों पक्षों में विवाद हुआ, जिसके बाद लड़की के घर वालों ने अब्बास और उसकी पत्नी पर हमला कर दिया। हमले में दोनों की मौके पर मौत हो गई। मृतक दंपत्ति के बेटे शौकत के रामपाल की बेटी रूबी के साथ अफेयर था। 2020 में शौकत रूबी को भगा ले गया था और ये विवाद तब से ही चलता आ रहा था, लेकिन अब रूबी बालिग हो चुकी थी और उसने अपना बयान भी शौकत के पक्ष में दे दिया था, जिसके बाद ये पूरा मामला निकल कर सामने आया। कल शाम को हुए डबल मर्डर के मामले में धारा 302 के अंतर्गत FIR पंजीकृत किया गया, जिसमें 5 लोग को नामजद आरोपी बनाया गया है। इसमें से 3 व्यक्ति, जिसमें से मुख्य आरोपी शैलेंद्र जायसवाल, अमरनाथ तथा पल्लू, इनको पुलिस के द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। अन्य 2 लोगों की गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो पति पत्नी की हत्या करने का आरोप यहां पर लगा है। बेटे का अफेयर अब मौत की वजह बना है। यहां पर हत्या जो की गई थी, बेटे का गैर समुदाय की लड़की से अफेयर था और उसके बाद अब ये पूरा मामला जब निकलकर सामने आया तो हत्या कर दी गई।
मदोई के नरथुआ में पिछले साल पूजा पंडाल में आग लग गई। भीषण आग में झुलसे लोगों की प्लास्टिक सर्जरी कराई जाएगी। जिला प्रशासन इलाज के लिए लोगों की आर्थिक मदद करेगा और झुलसे हुए लोगों को दिव्यांगता से बचाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी कराने का फैसला लिया गया है। 2 अक्टूबर 2022 में दुर्गा पूजा पंडाल में भीषण आग लग गई थी और इस हादसे में 22 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 70 से ज्यादा लोग झुलस गए थे। भदोई की मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक ने कहा है कि सर्जरी का पूरा खर्च जिला प्रशासन उठाएगा। अभी तक 2 लोगों की प्लास्टिक सर्जरी की गई है और 2 की सर्जरी की रिपोर्ट मिली है। इसके लिए डीएम साहब ने निर्देश दिया कि कमेटी बना दी है, जिसमें जिन लोगों के, बच्चों के, महिलाओं के शरीर में जो जले हैं और उससे जो है दिव्यांग जनता आ रही है, तो इसके लिए डॉक्टर कृष्णा दुबे हमारा जो सर्जन है और आई वाला, उसको अधिकृत कर दिया है उसी क्षेत्र पर। कुशीनगर में ईसाई मिशनरी से जुड़े लोगों पर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगा है। हिंदू वाहिनी के सदस्य ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई है। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रार्थना सभा का वीडियो वायरल हुआ था। प्रार्थना सभा के आड़ में धर्म परिवर्तन का आरोप है। वायरल वीडियो की न्यूज 18 पुष्टि नहीं करता।